अच्छा आप क्या चाह रहे हैं कि कोई आपकी फैमिली कोई आके मेरे को लेके चला गया तो अच्छा है, बोले बच्चों में रहना बोला दिल मेरा, इतने दिन से बच्चों में रही अब अकेली रहना बोला तो दिल नहीं बोला, कोई आके मेरे लोग ले गया तो अच्छा है बोले, बस यही चाह रही हूँ। चार दिन की जिंदगी अपने में रह के मर गए तो सुकून पड़ता है, बस यही चाह रही हूँ। अब कोई भी नहीं है वो ले गए तो अच्छा है, वो ले जा सकते मेरा बड़ा नवासा बड़ा और एक छोटा दोनों कमाते भाया, अब क्या करते आप लोग आपके ऊपर, एक माँ समझो नानी समझो कुछ भी समझो, यहाँ से निकाल के मेरे बच्चे लेके गए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, इस साइड के कुछ भी ला ले जा के रख लिया तो अच्छा है ना, तो यहीं गुजार देती। आदाब नाजरीन, हम इस वक्त शिफा ओल्डेज होम में आए हुए हैं, हमारे साथ एक हमारी माँ हैं जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, गौसिया बेगम जिनका नाम है, इनके साथ एक ऐसा सानहा हुआ जिसका बयान हम तो नहीं कर सकते अपनी ज़ुबानी, लेकिन हम चाहेंगे कि ये हमारी माँ ये इनके साथ जो हादसा हुआ इसको आप तमाम को बताएं कि ये आज इस शिफा ओल्डेज होम में आईं, कैसे आईं और क्यों आई और इनके साथ क्या हादसा हुआ, इनकी ज़िंदगी गुज़िश्ता 3 महीने 4 महीने से या उससे ज़्यादा कैसा गुजरी, इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, ये आज शिफा ओल्ड एज होम में क्यों है। हमारे साथ गौसिया बेगम है, हम हमारी माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खालो 4 महीने से मैं बाहर हूँ, नीलापुर दवाखाना खाने थी, वहाँ पर रोड पर भीख मांग लेती थी दिन भर जा के, वहाँ दवाखाने में सो जा रही थी मैं, बस घर में से नवासा काल दिया, 1 साल रख लिया, उसके बाद अकाल दिया, भाव करने गए तो भाव नहीं रख लेते बोले, उसके बाद वो बस्ती के लीडर ला के मेरे को यहाँ छोड़ दे के चले गए, बहुत मुश्किल में गुजार ले रही मैं रात भर, तीन महीने से चार महीने से रोड पे थी मैं, अकाल दिया मेरे को, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मैं यहाँ कैसे रहूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ हो रही मेरे को। अब आप लोग कुछ भी मदद कर सकते हैं मेरे को, क्या करते कहाँ ले जाके ठहरा करते, ठहरा करो, इतना तो मुसीबत उठा दी मैं, सो पकाल दिए मेरे घर में से, अब कोई नहीं है मेरा, फिलहाल तो यहाँ हॉस्टल में हूँ, अब यहाँ से क्या करते क्या नहीं करते आप लोगों की मर्ज़ी। आपके बेटे का इंतकाल कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटे का इंतकाल होते छकाल दिए मेरे को। कौन हकाले? भवा काल दी, भवा काल दी तो भांजा नवासा लेके गए, बड़ा नवासा मेरा ले जाके अच्छा ही रख लिया, जैसे मैं बीमार पड़ी 30-40 हज़ार खर्चा हो गए वो हो गए, बल्कि उनके सास उन लोग ससुरे उन लोग सब जने मिल के बात करके मेरे घर में ऐसा खा लिए उन लोग, वहाँ से मैं निकल के पानिया पड़ रहे थे, जब बहुत पानिया पड़ रहे थे जाके नीलापुर दवाखाने खाने बैठी हूँ, वहाँ रात भर वहाँ दवाखाने खाने सो जाना, दिन भर वहाँ दा होटल खाने मांग ले के खाना, अभी भी ले जाके बताती हूँ सब जने पछाना तो हो गए, वहाँ पे कोई भी बोलते आओ यहाँ थी या मांग ली बोले, वहाँ दिन भर मांग लेती थी, रात में जाके वहाँ सो जाती थी, फिर ने कपड़े नहीं था वो ने कुछ भी नहीं था, लोग दिए थे गए तो वो लेके सो रही थी सर्दी में, परसों बहुत ही ज़्यादा बुखार आया तो नवासी है ना बोल के नवासी कहना है तो लोग खा लिए मेरे को नको हमारे कहने बोल के खा लिए, तो वहाँ मदरसा कहने शाहीन नगर में मदरसा है, वहाँ मदरसा कहने सो गए चबूतरे पे बिल्डिंग कहने, तो वहाँ के लोग हमारे पछानात कहते हैं वो पछानात के लोग लिख जाके वो शाहीन नगर के बस्ती के लीडर लेके यहाँ आके छोड़ दिए मेरे को, इतने दिन से इतने मुसीबत उठा लेते रह रही वहाँ पे, कोई भी आ रहे नहीं मेरे को देख रहे नहीं बुला के नहीं ले गए, सबको मालूम हो गए मैं आऊँ बोल के, कोई भी आए नहीं करे नहीं ले गए नहीं। आपके आपके ख़ानदान के कुछ लोग नहीं हैं आपसे मिलने कोई के? कोई भी नहीं है बड़े नहीं है कोई छोटे से लोग मिलने भी नहीं आए? कोई भी नहीं आए जो लोग हैं वो लोग मिलने कोई मिलने नहीं आए, सबको मालूम है मर कोई भी मिलने नहीं आए, कोई पूछे नहीं आके देखे नहीं, वहीं दवाखाने में रह गई मैं। आप कहाँ पर आप गुज़िश्ता 3-4 महीने से कहाँ पर आप, जैसे कि आपने बताया दवाखाने में क्या कर रहे थे? हवाएं मंगले रही थी दिन भर, शाम में जाके दवाखाने खाने सो रही थी, बरसात में बारिश में वहीं वाइस थी मैं, भीगते हुए सर्दी में वहीं दवाखाने करने पेशेंटों के संगत लोग रहते ना उन लोगों के संगत मैं भी गुजारा कर ली वहाँ पे दवाखाने में वाइस। एक माँ जिसने अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, एक सानहा ऐसा हो गया कि बेटे का भी इंतकाल होगा बेटी का भी इंतकाल होगा, अब उसके बाद बहू की पता नहीं क्या मजबूरी रही कि बहू ने कहा कि आप सामान अपना बांधें और चले जाएँ,
नवासा इनका ले जाके इन्हें अपने मकान में रखता है, और फिर जब ये बीमार पड़ जाती हैं तो उसके बाद नवासा, ये गौसिया बेगम का ये कहना है कि इनके नवासे ने और फिर उनके जो भी फैमिली है उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब हम आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। उसके बाद ये हमारी माँ सड़कों पर भीख मांगते रही। क्या आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि एक माँ किस वजह से अपनी औलाद को पाल पोस के बड़ा करती है, या किस वजह से कोई अपनी औलाद के पीछे या बहू के पीछे या पोतरों के पीछे कोई अपनी ज़िंदगी खर्च करता है? किस लिए? इसलिए क्या जी ने ये ज़िंदगी देखना पड़े। अभी ये शिफा ओल्ड एज होम जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से हैं। आप खुद इनसे सुनिए, अभी यहाँ पर आपको कुछ तकलीफ है? नहीं, कुछ इसकी तकलीफ नहीं है। तीन दिन वहाँ के, आज को दो दिन कुछ भी तकलीफ नहीं है मेरे। खाने करने के लिए सब चीज़ टाइम पे मिल रहा, दवा वगैरह यहाँ के लोग भी अच्छे हैं? अच्छे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप क्या चाह रहे हैं कि कोई आपकी फैमिली कोई आके मेरे को लेके चले गए तो अच्छा है? बोल रही बच्चों में रहना, बोल रहा दिल मेरा इतने दिन से बच्चों में रही, अब अकेले रहना बोले तो दिल नहीं बोल रहा, कोई आके मेरे लोग ले गया तो अच्छा है। बोल बस यही चाह रही मैं, 4 दिन की ज़िंदगी अपने में रह के मर गए तो सुकून पड़ता, बस यही चाह रही मैं। अब कोई भी नहीं है, ले गया तो अच्छा है, बोल मैं लेक जा सकते मेरा बड़ा नवासा, बड़ा और एक छोटा, दोनों कमाते भाया ले जा के रख सकते मर, क्या बोलते कि उन लोग ले जा के रख ले तो दुआई दे देना तो कुछ दे। इतने दिन बच्चों में संगत रह के अब अकेले रहना यहाँ पे, यहाँ हॉस्टल में वहाँ यहाँ रहना बोले तो तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही। मालूम नहीं है सब चीज़ें हम दे के नहीं करें, नहीं कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या करते आप लोग, आपके ऊपर एक माँ समझो, नानी समझो, कुछ भी समझो, यहाँ से निकाल के मेरे बच्चे लेके गए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इससे हट के कुछ भी ला ले जा के रख लिया तो अच्छा है, ना तो यहीं गुजार लेती यार, मर्जी उनके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी देर शोर का इंतकाल हो गया, वो 40 साल हो गए। 40 साल आप बेटों को, बेटा बेटी को पाले? दोनों पाल के पोस के दोनों की शादियाँ करी, सब करी, जजियाँ करी दोनों का, बेटी को 6 बच्चे, बेटे को 5 बच्चे, सबका करी मैं, सब करा लिए, सब छोड़ दिए, अब कोई भी नहीं है। हम गुजारिश करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, हम इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट करेंगे और इस माँ की इस फरियाद को इंशाल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल ये माँ शिफा ओल्ड एज होम में है जो हसन नगर में आता है, शिफा नर्सिंग होम। यहाँ पर मेरी ये इस माँ के जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल। अगर कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आप तक लेके आए, मैं भी इंशाल्लाह हमारे अरमान भी हम कोशिश करके आपको लाते हैं। आप रो मत, आप सबर से जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। हम ना ढूंढते बात करते हैं उन लोगों से, कुछ ना कुछ अल्लाह से हम निकालते। आप डॉक्टर साहब का रहो, डॉक्टर साहब आपके बेटे से भी यहाँ पर अच्छा रखें आपको, हम ना कुछ ना कुछ निकालते, कुछ ना कुछ अल्लाह चाहे कुछ ना कुछ निकालते। आज थोड़ी ज़िंदगी हमारे बच्चों में रह के मरना रह के यही बूटा मत नहीं रह सकती है, घूमते घूमते दवा पीना, रात में वहाँ जाके सोना, होटल मिलता खाना ले लेना, खा लेना वहाँ सो जाना, फिर सुबह में उठ के मर लेना, खा लेना सो जाना। नैक और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम मनोरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीज की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें।